अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से ताज़ा तरीन खबरों, वर्ल्ड रिकॉर्ड और आने वाली सीरीज़ के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CS ऑफिशियल चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने अपना आखिरी मैच 2013 में खेला था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और शायकीन के इंतजार को ख़त्म करते हुए उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ PSL 3 के लिए मुआहदा कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टार ओपनर इमरान नज़ीर एक बार फिर हेडलाइंस की नज़र में हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन में मायनाज बल्लेबाज की वापसी हो रही है। 35 साल ओपनर ने अपना आखिरी मैच 2014 में खेला था, लेकिन एक लंबे दौरानिए की बीमारी के बाद अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। बाकायदा तौर पर क्रिकेट के मैदानों में वापसी हो चुकी है और मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी के साथ इसी साल बहरीन क्रिकेट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने PSL प्लेयर्स 2018 के ड्राफ्ट के लिए अपने नाम की तस्दीक कर दी है, जो कि 12 नवंबर एतवार को होगा। मजीद ज़राए के मुताबिक पता लगा है कि PSL की नई फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान इमरान नज़ीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हीरोज़ को मुकम्मल तौर पर फिट रखे और वो इसी तरह मुल्क और कौम के लिए क्रिकेट खेलते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिए और मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।